DUSU राखी तोसीर जी को बुलाना चाहूंगा, वो आए और अपनी बात संक्षिप्त शब्दों में रखनी है क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है, साथी भी बहुत हैं, बोलना भी है सबको, है सबको अपनी बात रखना है, संघर्ष को आगे बढ़ाना है क्योंकि इस संघर्ष को सब मिल के लड़ेंगे, सब साथ लड़ेंगे और ये लड़ाई आप सब जानते हैं किससे है। साथियों, आज हम सब जो BHU में 21 तारीख को छात्राओं के साथ किस तरीके से पुलिसकर्मी बर्बरता से लाठी चार्ज करते हैं और जो छात्राएं अपने हक की लड़ाई, जो मोलेस्टेशन की वो गुहार लेकर, जो ईव टीजिंग की वो अपनी कंप्लेंट लेकर वाइस चांसलर से मिलने जा रही थी, उनको वहां पर मिलने नहीं दिया और जब वो अपने विरोध प्रदर्शन में वहां पर बैठी थी, क्योंकि प्रधानमंत्री जी उनके पास समय नहीं था कि वो 2 मिनट रुक कर एक बार उन छात्राओं की जो अपनी लड़ाई के लिए, जो अपने हक के लिए वहां पर बैठी थी, उनकी बात सुने, जब उनको अपना रास्ता बदलना पड़ा तो रात को उन्होंने पुलिसकर्मी भेजकर उन छात्राओं पर लाठी चार्ज करवा दिया। तो साथियों, दूसू दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन, इसमें हम अपनी तरफ से नेशनल कमीशन फॉर वुमेन पर हमने कंप्लेंट दी है कि जो जो पुलिसकर्मी, जो जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग इस लाठी चार्ज की दुर्घटना में शामिल है, उन पर तुरंत कार्रवाई हो और उन पर जांच बैठनी चाहिए। और नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में भी दूसू इस गुहार को लेकर हम जा रहे हैं कि उन पर तुरंत से तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए और जो योगी सरकार है उन पर, और जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं उन पर हमें विश्वास नहीं है और हम चाहते हैं कि ह्यूमन राइट्स कमीशन और नेशनल कमीशन फॉर वुमेन इस पर तुरंत से तुरंत कमेटी बिठाए, इस पर जांच हो और तुरंत से तुरंत वाइस चांसलर को इस्तीफा मांगना चाहिए और उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। तो साथियों, इस लड़ाई में DU, पूरा DU BHU के साथ है, BHU के छात्राओं के साथ है। धन्यवाद।